यहाँ पे मूंग दाल में एक मुट्ठी मैंने उड़द दाल, मतलब जितनी भी मूंग दाल ली थी 2 कटोरे के लगभग, उसमें एक मुट्ठी उड़द दाल डाल के भिगाई थी। भीग गई है, 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। तो इसमें अदरक और हरी मिर्च का टुकड़ा डाल के, बस बिना पानी के, मतलब थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब पानी डाल के आप इसको पीस लो। तो यहाँ पे आपने देखा ये पीस चुका है, बस इसी तरह से इसको मैंने थोड़ा सा बारीक पीसा है और इसको अब थोड़ा सा दरदरा पीसूंगी। इससे क्या होता है फिर पानी मिलाने की झंझट नहीं रहती, पकौड़े अच्छे बने। तो ये देखो गाइस, मेरा ये अच्छा सा बैटर हो चुका है, थोड़ा पतला है और ये थोड़ा दरदरा है। कुछ नहीं, बस अब इसमें नमक डाल के कम से कम 10 से 12 मिनट हाथ से फेंटना है, और जब आप इसे उठाओ तो नीचे से झाग जैसा हो जाना चाहिए, उस कंसिस्टेंसी में आपको लेके आना है इसको। इसमें हम हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये भी नमक के पानी में भी ये जाएगा, तो हल्का सा नमक डाल के फेंटेंगे अब इसको फेंटेंगे बहुत अच्छे से कम नहीं तो 10 से 12 मिनट। और अभी आप देखोगे तो ये ऐसे गिर रहा है ना, फिर ये ऐसा गोला जैसा होना चाहिए, झाग जैसा। हे गाइस, तो मैंने इसको फेंट लिया है और कम से कम 10-15 मिनट मैंने फेंटा है, तो देखो आप झाग जैसा हो गया है। बस अब इसको 5 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं फ्राई करूंगी। तो हींग और नमक डाल के, 1 चम्मच नमक डाल के पानी गर्म करने रख दिया है। यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो गया है, एक छोटा सा पकौड़ा बना के मैंने देख लिया भल्ला, और बहुत सॉफ्ट बन रहा है। तो बस अब अगर आपसे किसी भी शेप में बने आप बनाओ, क्योंकि उसको खाना ही है हमने कुछ ज़्यादा ऐसे दिखावे की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, गाइज ये ना ऑटोमेटिक राउंड हो जाएंगे, आप चिंता मत करना, और थोड़े बड़े बड़े बनाना क्योंकि भल्ले थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। गाइज इनको किसी भी शेप में बनाओ आप, ये अच्छे से लड्डू जैसे गोल हो ही जाते हैं। एंड यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है तो इसको भी बंद कर दूंगी, ज़्यादा उबालना नहीं है, बस गर्म हो गया, देख सकते हो आप अच्छे से। और यहाँ बर्फ़ वाला पानी जो यहाँ से निकाल के हम इसमें डालेंगे। बहुत ही धीमी आंच पे मैंने फ्राई किया, फिर थोड़ा सा मीडियम किया, और अब जब उतारने का टाइम होता है ना इनको, जैसे कलर आने लगता है तब थोड़ा सा आप तेज कर लो, ताकि ऊपर से भी ये पक जाए अच्छे से। अंदर से तो ये क्योंकि स्लो कुक करते हैं ना, तो अंदर से धीरे धीरे पकते हैं, तो जलने नहीं चाहिए, ज़्यादा जलेंगे तो फिर कड़वे कड़वे हो जाते हैं। तो बस ये देखो बहुत अच्छे से हो चुके हैं हमारे भल्ले फ्राई। अब एक बंच मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ इसमें, एंड फिर इसको आराम से मैं फ्राई करूँगी। ये हो चुका है मेरा एक बंच रेडी। तो गाइस इनको बस अब ऐसे निकाल के ठंडे वाले पानी में डाल देना है, एक्सेस ऑयल निकल चुका है और अब ये ठंडे हो जाएंगे। तो गाइस मैंने बना लिए हैं, अब इनको ऐसे हल्के हल्के से निचोड़ के, वैसे ये फटे नहीं, इसकी एक ट्रिक होती है, इसको ऐसे दोनों हाथों के बीच में रख के आप जितना भी तेज प्रेस कर लो, उससे क्या होता है कि ये फटते नहीं है, ऐसे अच्छी सी शेप आती है। तो बस निचोड़ने के बाद मैंने कुछ भल्लों को फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो ठंडे हो जाए, क्योंकि भल्ले तो ठंडे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो भाभी लोगों को देना है ना उनका टिफ़िन में ही, मैं बस ये देखो इनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो अब इनको यहाँ पे लगा रही हूँ। और दही में 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा चीनी डाल के, जितना आपको मीठा पसंद हो, क्योंकि दही बहुत खट्टी होती है ना, तो थोड़ा सा जैसे 4-5 चम्मच चीनी डाल के अगर आप मिक्सी में घुमा दोगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है फिर दही में। तो नमक और तो बाद में डलेगा। तो बस यहाँ पे देखो अच्छे से आपने, ये मैंने कम से कम 1 किलो दही थी उसमें चीनी और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल के फेंट लिया था। अब यहाँ पे जीरा, काली मिर्च, अजवाइन और काला नमक का, ये जैसे कि रायता मसाला में बना के रखती हूँ ये वही है, ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। इवन इमली की चटनी भी बनी हुई है, देखा ना आपने, मार्केट जाके ना फटाफट से मैं चटनी का सामान ले आई थी, और चटनी में मैंने पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और नींबू डाल के चटनी बना ली है, जो कि अपनी नॉर्मल चटनी। और इमली की चटनी तो भाई हमारी 1 किलो बनी थी, उसमें से समझ लो आप 1/2 किलो तो ख़त्म भी हो चुकी है। तो बस अब मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हो रही थी कि क्या करूँ, चटनी डाल के दूँ या अलग से दे दूँ, पता नहीं किस तरह से खाएंगे वो लोग। तो फिर मैंने चटनी अलग अलग दे दी, इसमें मिक्स नहीं करी, यहाँ फटाफट से मार्केट से जाके अनार लेके आ गई थी, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी है। ये रही उनकी कटोरी में हरी चटनी, और मैंने कांच के एक जार में अपनी इमली की चटनी डाल दी। तो लो भाई हमारे दही भल्ले रेडी हैं, एंड अब दे दूंगी उनको। और साथ में ही मुझे आज चाउमीन भी बनानी थी, क्योंकि 2 डिब्बे थे भाभी लोगों के, तो चलो चाउमीन भी बनाते हैं। और ये चटनी भाभी को पसंद आई, उनका मैसेज आया था, तो थैंक यू सो मच भाभी।
तो गाइज यहाँ पे चाउमीन बनाते हुए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। देखो प्रिपरेशन मेरी सब हो रखी है, बस मैं फटाफट से पका रही हूँ क्योंकि मुझे देने भी जाना है, फिर आके खाना भी पकाना है, तो मेरा बड़ा काम है आज। आई एम सॉरी, झट से मिलते हैं बस चाउमीन बना के। हे गाइस, चाउमीन बन गई है फाइनल टच, कच्चे प्याज और हरे धनिए का। तो ये चाउमीन, दही बल्ले, चटनी वगैरह सब पैक हो चुका है। चलो जाके देख के आते हैं, 8-10 हो रहे, मुझे फटाफट घर भी आना है क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है। ये जितना खाना बना है ना, इसका बर्तन मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, और पार्थू नीचे खेल रहा है तो उसको भी भूख लगेगी। चलो एक सेकेंड खिड़की बंद कर दूँ ज़रा। सो हे गाइस, वेलकम टू द घर, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बधाई हो भाई, आपका बेटा पास हो गया। हाँ, पार्थू 3rd क्लास में चला गया। आप सबकी गुड विशेज, आप सबका आशीर्वाद है कि अच्छे से 2nd क्लास से 3rd क्लास में चला गया। तो रिपोर्ट कार्ड आ गई है उसकी, और A++ और B सब चीज़ लेके आया है। जैसे कि आप लोगों ने बोला था स्कूल से रिलेटेड कुछ भी ना दिखाऊं, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। बाकी फोटोग्राफ्स वगैरह जो स्कूल से खींची थी, ये सारे उसके सर्टिफिकेट वगैरह जो भी उसने किया था, और ये SOF जो होता है, साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन। तो इसमें आप में से किसी ने मुझसे कहा था कि सीमा पार्थू को ओलम्पियाड में एडमिशन दिलाना, क्योंकि आप लोग जब उसको सुनते हो तो हाँ, मैंने दिलाया था ना उसको, लेकिन मैंने मिस्टेक करी थी। मैंने उसको ज़बरदस्ती मैथ में एडमिशन दिलवाया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैथ में तेज है, लेकिन वो मैथ से ज़्यादा जनरल नॉलेज में तेज है। उसकी जो नॉलेज है ना, अब मुझे पता चल गया, नेक्स्ट टाइम मैं उसको GK में दिलवाने वाली हूँ। तो उसमें भी ये देखो IMO है ना, SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलम्पियाड, इसमें मैंने उसको दिलाया था। तो इसमें स्कूल में उसकी रैंक 3 आई है गाइज, और टोटल 40 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, तो 20 मार्क्स लेके आया था। और इंटरनेशनल रैंक वगैरह सब देते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी तरह से मेंशन किया जाता है हर एक चीज़। जो वो पेपर में करके आया था, उस सारी शीट मिली है, कौन से आंसर उसके सही गलत थे, वो सब आया है। तो बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई करी नहीं थी पार्थू ने मैथ को लेके, मैंने हार्डली 10 दिन उसको प्रैक्टिस कराई थी, तो फर्स्ट टाइम भी किया था। और स्कूल के दौरान ही, पढ़ाई के बीच में ही 1 घंटे का पेपर होता है ये सब, तो आगे से ध्यान दूंगी। अब मुझे इसके बारे में पता चल गई तो कि काफ़ी अच्छा है, और बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, दिलाना ही चाहिए। और पता है हमारे टाइम पे भी होते थे, पर मुझे उस टाइम नहीं पता कि इसको क्या बोलते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारे स्कूल से कुछ बच्चों को ले जाते थे राइटिंग स्किल के लिए, और कुछ जनरल नॉलेज के पेपर होते थे शायद। अब ये इतने बड़े लेवल में होते हैं, पहले स्कूलों से ये होते थे और मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो बस पार्थू की फीस वगैरह आज जमा करा के अनुपाय, एंड सारा कुछ फॉर्मेलिटीज जो सब होता है वो सब करवा के, तो मैं आज नहीं गई थी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी पीरियड्स की वजह से, मैं गई नहीं। तो अनुप कह रहे थे कि इसकी मैम तुमको बहुत याद कर रही थी, पार्थू ने बताया नहीं तुमको? मैंने नहीं, तो बोल रही थी कि वो क्यों नहीं आई, उनसे कहना कि मैं उनको बहुत याद कर रही थी, और आज मुझे लग रहा था कि आज तो वो आएंगे। लास्ट दिन था ना आज बच्चों का, तो पेरेंट्स और टीचर का एक बॉन्ड हो जाता है जब वो पेरेंट्स मीटिंग में मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं पहचानने लगते हैं। फिर वही कह रहे थे कि अब पता नहीं नेक्स्ट क्लास में इनकी टीचर कौन होंगी, तो शायद मैं होंगी नहीं होंगी, तो मिलने का मन था। तो बस अभी मैंने जस्ट उनको मैसेज किया, थैंक यू सो मच मैम, कि पूरा साल, और ये सभी टीचर्स के लिए कि थैंक यू सो मच आप सभी टीचर्स का, कि आप लोग पूरा साल अपना बेस्ट देते हैं हमारे बच्चों को, ताकि हमारे बच्चे जीवन में कुछ सीख पाएँ। और वो जो चीज़ भी आपसे सीखते हैं, जो कुछ आपसे सीखते हैं एज अ सिलेबस, तो वो आप लोगों से बहुत कुछ सीखते ही हैं, लेकिन वो आप लोगों के नेचर से, आप लोगों के बिहेवियर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। उन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तभी तो वो कहते हैं ये टीचर हमारी फेवरेट है, ये टीचर हमारी फेवरेट है। तो इसी तरह से बस थैंक यू कहना चाहूँगी सभी टीचर्स को, बहुत बहुत आभार आपका कि आप अपना कीमती समय, अपना ज्ञान हमारे बच्चों के संग बांटते हैं। तो सिर्फ टीचर्स डे में ही टीचर्स को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, जिस दिन बच्चे पास हो जाते हैं ना उस दिन भी। वही कल मैंने एक मोटिवेशनल, जिसे आप बोलते हैं, आप लोगों के लिए वो मोटिवेशनल है, लेकिन मेरी तरफ से वो मेरे मन की बात थी, इसलिए मैं कोई ऐसा टाइटल भी नहीं डालती कि लोग अट्रैक्ट हो, ना मैं कोई ऐसा फोटो लगाती हूँ कि लोग अट्रैक्ट हो और आए इस वीडियो को देखें, नहीं। वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने दोस्तों के लिए, जो यहाँ पे मेरे संग 4-5-6 साल से जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, आप मेरी बहनें हो, आप मेरे दोस्त हो,
आप सबके लिए मैं जितना कर सकती हूँ अपनी तरफ से बेस्ट मैं वो करना चाहती हूँ, और मैं किसी और के लिए नहीं करना चाहती कि मतलब जो खुद से जुड़ जाए बहुत अच्छी बात है, जो जुड़ के कंटिन्यू इस जर्नी में हमारे साथी बने उनके लिए मोस्ट वेलकम है। जो लोग कीड़े निकालने आते हैं वो फिर आएंगे और वो फिर चले जाएंगे। तो मैं अभी धीरे धीरे, क्योंकि मैंने बहुत रात को वो वीडियो पोस्ट करी थी, तो मैं जस्ट धीरे धीरे ही वो अभी कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप में से बहुत लोग रोए भी कि आपने हमें बताया नहीं आपकी इतनी बुरी कंडीशन थी। तो मैं अकेली थोड़ी थी, सब तो थे मेरे पास। और हाँ, मैंने अभी मम्मी का कमेंट पढ़ा तो मुझे आई एम सॉरी, मैं बहुत ही ज़रूरी नाम लेना भूल गई। आपने सीमा, हमारी सीमा जो आती है उनकी मम्मी नेपाली आंटी, आपने देखा होगा, और अंकल, उनको बहुत ही कम व्लॉग में देखा है, शायद बहुत से लोग ना भी जानते हो। दशहरे के एक व्लॉग में वो लोग हमें टीका लगाते हुए दिखेंगे। तो आंटी अंकल ने जो मेरे लिए किया है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं रात भर रोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सोती नहीं थी। तो वो अंकल रात के दो दो ढाई ढाई बजे आंटी अंकल उठ के आते थे और मेरे सिर पे हाथ रखते थे, मुझे झाड़ा लगाते थे, क्योंकि अपनी तरफ से जिसको जो आता था वो एफर्ट कर रहा था। तो वो लोग रात रात भर मेरे सर के पास बैठे रहते थे, वो रात को 1:30 बजे आते थे तो सुबह 4 बजे जब तक कि मेरी आँख नहीं लग जाती थी वो तब तक मेरे पास बैठे रहते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है गाइस कि कोई अपनी गहरी नींद तोड़ के आपके सिरहाने बैठा है कि आप चैन से सो जाओ। तो ऐसे लोगों का मुझे साथ मिला, ऐसे लोग मेरे पास थे, आप सोचो। तो मेरा ठीक होना तो बिल्कुल तय ही था, क्योंकि इतने अच्छे इन्वायरमेंट में थी, इतने पॉजिटिव लोगों की संग थी। एंड गाइस, आपके अपने ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी कुछ कमेंट पढ़ रही हूँ, उसमें बहुत से लोग लिख रहे हैं। अब मैं आपको उन कमेंट्स के जवाब देती हूँ जो अभी तक मैंने पढ़े हैं सुबह से। तो जैसे किसी ने लिखा कि हम अपनों से नाराज़ रहते हैं, ये हमें नाराज़गी छोड़ देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, अगर आपके आपसे नाराज़ हैं तो ये भी ज़रूरी है, उन्हें थोड़ा सा स्पेस भी देना ज़रूरी है। वो दोगे नहीं तो ना उनको आपकी अहमियत और ना आपको उनकी अहमियत का पता चलेगा। तो वो स्पेस भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि बस आज लड़ाई हुई और कल ही बात करने लग जाओ। समझने का भी मौका दो, फिर एक टाइम जब हो जाता है, अब आपको लगता है कि ठीक है सामने वाला नहीं ढल रहा, उसको रहने दो उसके घमंड में, आप धीरे आप झुक जाओ, आप पोलाइट हो, आपको पता है कि झुकने वाला कभी भी कम नहीं होता। तो झुक जाओ, अगर कोई आपसे नाराज़ है, आपको प्यारा लगता है, आप उसके बगैर अपनी लाइफ में अधूरा महसूस करते हो, तो बिल्कुल बेशक झुको, कोई छोटा नहीं हो जाता झुकने से। तो जैसे किसी ने लिखा कि कई सालों से उनकी बीमारी ही पकड़ में नहीं आ रही, कोई कह रहा है उनको सोचने की बीमारी है, मैं फिर से कहूँगी कि वो दो नाम लेना छोड़ दो। सोचना कोई बुरी बात नहीं, दिमाग का काम ही सोचना है, और दिमाग सोचता ही रहता है और कंटिन्यू सबका सोचता है, तो वो जो सोचता है उसको सोचने दो। तो उन्होंने लिखा कि कई टाइम से उनको डॉक्टर बीमारी नहीं निकाल पा रहे, उनको हार्ट की बीमारी, और मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी उस दिन आपने मेरे संग शेयर किया था। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं इतना रोई थी आपके लिए, मैंने इतना प्रार्थना, ये सब बोलने की बात नहीं होती, लेकिन मैंने इतनी प्रार्थना करी थी कि बस मैं यहाँ से बार बार भगवान से कहती कि भगवान जी कोई चमत्कार कर दो, उनकी बेटी है, उनकी बेटियाँ हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बीमारी नहीं देना। और आपने खुद ही कुछ दिन बाद आके मुझसे कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं है, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि देखो चलो भगवान है, इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान है, और सिर्फ वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो सुनते हैं। और जो आपकी कोई बीमारी नहीं निकल रही है उसका इलाज आपने खुद ही, आपको खुद भी पता है कि वो क्यों हो रहा है। इसके लिए एक कटिंग मेरे पास ऑलरेडी कल थी, क्योंकि पर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। देखो इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया, आपको ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये क्लिपिंग आप देखो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, हमारे सर में दर्द भयानक होता था, मैं कहानी बता रहा हूँ, टॉकिंग एज अ केस, भयानक सर में दर्द, चंपी कराना योग कितना होता था, कोई मतलब कोई दवा ही नहीं था। देखिए मैं भारतीय मनोवैज्ञानिक के पास गया, काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया हुआ था, उन्होंने बैठो क्या बात है, मैं कहा मेरे सर में बहुत दर्द है, आपने पिता पर बहुत बहुत क्रोधित होते हो, तुम्हारे पिता संबंध अच्छे नहीं थे, बहुत तुमको ताड़ना देते थे, नीसी लेना, और ये सही बात है। मैं उनके पति एक 5 बरस का बालक, 4 बरस का बालक, 3 बरस का, जो मुझे पिता की ओर से ताड़ना मिलती थी, मुझे
कोई बात पनिशमेंट हुआ कि नहीं, कोई गलती किया नहीं, जाओ कोने में खड़े जाओ। कोना ऐसे चलता है और वहाँ जाके खड़े रहेगा तो मैं सपने में बार बार देखता था कि ऐसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मैं उठ जाया करता था। तो इस सब को मैंने दबाया, पिता के पास मेरा अपना नैतिक स्टैंडर्ड, पिता को कैसे मैं नाराज़ हूँ। तो मैं क्रोध दबाता गया जा, और पिता हमसे बड़ा है तो इसलिए उसको जो क्रोध दबाया हुआ क्रोध सर के डर के रूप में प्रकट हुआ, उसकी कोई एलोपैथिक दवाई नहीं हो सकती है। और वो ठीक हो गई, मैं रोने लगा और तो पिता के जो स्मृतियाँ थी उससे मेरा थोड़ा समझौता हो गया एंड मैं सर के दर्द उसी दिन चला गया, इन 10 मिनट में कि आधे घंटे में डोंट हो, बट उसके बाद से मेरे का सर दर्द नहीं हुआ फिर। तो देखा आपने, बहुत सारी चीजें किसी कारण से होती है, जैसे मैंने कहा था कि हमारे कर्मों के ही फल हैं सारे के सारे। तो वो जो हो सकते हैं इस जन्म में जो हमारे संग पहले बुरा हुआ उसके कारण अभी ऐसा हो रहा है, हमें पता नहीं है हम ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, या फिर वो पिछले जीवन में हमारे संग जाने कौन सी योनि में हमारे संग किस कारण से क्या हुआ था उसके कारण हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन मात्र एक सोच है, वी आर फ्री। हम अपना जीवन उस सोच के बंधन में बांध के नहीं जी सकते, क्योंकि ये वो वीडियोज़ हैं जिनको मैं देखती हूँ, और ये ठहराव वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा ना लोगों के ब्लॉग्स पसंद नहीं आते। मैं ऐसी चीज़ें ढूंढती हूँ जहाँ से बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो एक ऐसा डेटा है हमारे पास जिनके पास पता नहीं कब का डेटा फिल है अंदर, एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, उन्होंने एक्चुअल में लाइफ जी है, उन्हें पता है। कल मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन मैं मेंशन करना चाहती थी कि अगर आप खुद से परेशान हो रहे हो तो इन 3-4 चीज़ों को प्लीज़ अपनाना। एक तो अच्छी बुक्स पढ़ना, दूसरा बड़े बुजुर्गों के संग बैठो, कम से कम आधा एक घंटा कोशिश करो आप उनके संग बैठो, अपने दिल में जो भी हो रहा है ना उनसे बोलो, फिर वो आपको उसका तरीका बताएंगे। अरे ये तो बहुत ही आम बात है, अरे ऐसा होता है बेटा, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है और ये ऐसा कब तक ठीक हो जाएगा। छोटे जो बच्चे होते हैं, कभी उनके संग बैठ के देखा आपने कितनी ही प्रॉब्लम हो रही हो, जब वो छोटे छोटे बच्चे नन्हे बच्चे कुछ आपके आसपास कुछ करते हैं तो वो 5 मिनट वो 10 मिनट जितने भी देर आप उनके संग रहते हो ना, आपको आपकी प्रॉब्लम पता ही नहीं चलती। वो लोग एकदम, वो इतने प्योर सोल होते हैं ना छोटे बच्चे, क्योंकि उनमें तो कुछ उनमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी वाइब्स होती हैं, वही आपको वो दे रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे बच्चों के संग रहें, आप बड़े बुजुर्गों के संग रहें। अब जैसे किसी ने कमेंट किया था, किसी में आप तो बहुत ही ओवर एक्टिंग करी थी, बुरा मत मानना। यार आप बुरा मानने वाली बात कह रहे हो और फिर कह रहे हो बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना। मैं आप लोगों में से कहना चाहूँगी जो खराब कमेंट करते हैं, जो आज भी बैठ के मुझे देख रहे हैं, मन में कुछ और चलता है लेकिन आप आते भी हो, प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा खुद को सुधारो। किसी को गलत लिख के आपको सुख मिलता है, किसी को आपकी गलत थिंकिंग है, वो सिर्फ आप ऐसा सोच रहे हो, बाकी लोग नहीं सोचते ऐसा। अगर 1000 लोगों में एक जना ऐसा सोच रहा है तो बताओ कौन सही, वो 1000 लोग गलत और वो 999 लोग गलत और वो एक आप अकेले साइड खड़े होकर ऐसा सोच रहे हो। अब आप कहोगे कि बहुत से लोग लिखते नहीं है, वो बहुत समझदार हैं जो किसी के लिए कड़वा नहीं लिखते, क्योंकि उन्हें पता है अगर आसमान की तरफ देखोगे थूकोगे तो थूक आपके मुंह पे गिरेगा, अगर आप कीचड़ पे पत्थर मारोगे तो उसके छींटे आप पे आएंगे। तो बच्चों इन चीज़ों से, आप मेरे बेटे पे कीड़े, आपने 3 कमेंट किए थे, 3 कमेंट के 3 कमेंट बहुत नेगेटिव थे। एक दिन पार्थू किताब पढ़ रहा था, यार 7 साल का बच्चा किताब रीड कर रहा था, उसने पार्थू 8 में भी नहीं लगा था, और उसने जो भी बोल दिया मैंने दिखाया, मुझे पता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बच्चा किताब लेके बैठा है 1 घंटे, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप कह रहे हो आपका बेटा तो ये खराब बोल रहा है, उसने ये वर्ड गलत बोला है, ठीक है यार इग्नोर करो, आप मेरे बेटे को बोल रहे हो, लेकिन मैंने आपकी प्रोफाइल में जाके चेक किया था, आपका बेटा वीडियो गेम खेल रहा था। सुधार की जरूरत आपको है, आप पहले ऐसे जब उंगली करते हैं तो यहाँ पे देखो आपकी तरफ आती है 3 उंगली, तो पहले नियम कानून समझो। किसी को बुरा बोल के सुख नहीं मिल सकता, वो इंसान तो निकल लेगा, लेकिन आपकी जो हैबिट है दूसरों में कीड़े निकालने की, वो बहुत खतरनाक हैबिट है। तो अगर आपको हम लोग पसंद नहीं आते, कोई भी यूट्यूबर पसंद नहीं आता, तो प्लीज़ आप उनको बुरा बोलने से अच्छा अपने मेंटल पीस के लिए उनको छोड़ दो, ऐसे लोगों के संग आपको भी रहना ज़रूरी नहीं है। और तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, जो लोग आपको समझ नहीं आते लाइफ में, जिनसे आपको बुरी वाइब्स आती है, प्लीज़ उनसे दूर हो जाओ, चाहे वो कुछ भी सोचे, अब वो उनका काम है सोचना, लेकिन अगर आप दोनों की वाइब्स मैच नहीं हो रही गाइस, तो ऐसे लोगों के संग जबरदस्ती रहना
बिल्कुल जरूरी नहीं है आप अकेले रहो, लेकिन जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो। फिर जैसे दो तीन जनों ने लिखा कि सीमा हम तो प्रेमानंद जी की वीडियोस देखते, अरे बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल देखो। मैंने कब कहा कि नहीं देखो, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि आध्यात्मिक चीजें देखो, उनका काम है हमें इस राह पे लाना। अगर आप उनकी बदौलत, मैं आपसे एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी, अगर आप उनकी बदौलत इस राह पे आ गए हो तो थोड़ा सा अब अकेले खुद इस राह पे चल के देखो। माँ बाप आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, तो क्या आप जिंदगी भर आप मम्मी पापा की उंगली पकड़ के चलते रहोगे? नहीं नहीं नहीं, यही मम्मी पापा हमें ले जाएंगे। नहीं ना, आपको खुद भी तो देखना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको अपनी यात्रा अकेले तय करनी है, आपको सब कुछ अकेले ही करना है। तो थोड़े से मैच्योर बनो, मैं ये कह रही हूँ कि 24 घंटे उन वीडियोस पे डिपेंड मत रहो, लेकिन उनसे जुड़े रहो ताकि इधर उधर ना भटक जाओ, ये भी जरूरी है। तो वो एक लिमिट में होना चाहिए, उनको जरूर देखो, लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन उन्हीं को देखे जा रहे हो, उन्हीं को देखे जा रहे हो। उससे क्या होता है कि आपका जो दिमाग है ना, फिर बहुत अलग तरीके से सोचने लगता है। और ऐसा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप किसी किस्म बुरा नहीं करते हो, बिलीव मी, आप बहुत अच्छे इंसान हो जाते हो, लेकिन आप फिर भी डिपेंड हो, आप फिर भी डिपेंड हो। आपको गुरुजी ने सही राह दिखा दी, हमारे टीचर्स ने हमको पढ़ा दिया, अब क्या हम रोज हर चीज के बारे में जाके उनसे पूछने जाते हैं स्कूल में? नहीं ना, अब हम फ्री है ना। ऐसी मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि आप स्पिरिचुअल वीडियोस देखो, पर बिल्कुल एकदम डीप में घुस जाओ वो जरूरी नहीं है। आप अपने आप को अकेले एक बार करके देखो, क्या आप उनके बगैर प्रभु से जुड़ पाते हो? बस मेरा सिर्फ इतना कहना था। अरे प्रेमानंद जी महाराज मतलब ईश्वर साक्षात हैं भाई, इस धरती पे बहुत बड़े बड़े गुरु हैं ऐसे, वो तो आपको टीवी में दिख गए। आपको पता है कितने ही महान आत्माएं, योगी बुक में यही बताया गया है, योगी बुक में ये क्लियर मेंशन है कि हमारी एवरीडे की लाइफ में ना जाने भगवान, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी पेड़, एक आम इंसान भिखारी एक रईस आदमी पता नहीं किस रूप में हमारे आसपास घूम रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान में प्रभु का स्वरूप देखो। तो गाइस ये सब करो, एंड आप सबने मुझे खड़ा किया है। मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी, कल मैं ये कहना भूल गई कि आप सबने, जब मैं उस दौरान वीडियो बनाती थी, चाहे 10 कमेंट चाहे 20 कमेंट आते थे गाइस, लेकिन वो कमेंट ही मुझे दूसरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। आपको लगता है मात्र आपका एक कमेंट है? नहीं, आपके जो एक एक बोल है ना, वो मेरे लिए कितने मायने रखते थे, मुझे और काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यार आप लोग समय देते हो, आप खुद सोचो, सुबह से लेकर रात तक मैं शूट करके एक कई घंटे लगा के एक वीडियो बनाती हूँ, क्या मैं आप लोगों के कमेंट डिजर्व नहीं करती? क्या मैं आप लोगों की बातें डिजर्व नहीं करती? अगर आप कमेंट बॉक्स खाली छोड़ोगे, अपने दिल की बात नहीं बताओगे कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, इस वीडियो से आपको क्या फर्क पड़ा, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, पाठ के लिए क्या बेटर है, ये आप लोग भी तो मुझे बताते हो। ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो मैंने आप लोग से सीखी है, तो आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं, किया करो। और आप सब ने भी मुझे बहुत हेल्प करी उस दौरान, जितनी ही बहनें मेरी, जितनी ही सखियाँ मेरी, जितने ही सखा मेरे मुझे ढूंढ रहे थे, वो मुझसे प्यार करते थे, उन्हें मेरी जरूरत थी, इसीलिए मैं आज हूँ यहाँ पे। यहाँ मैं सिर्फ आपके और अपने लिए हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बालकनी से कभी अपने आस पड़ोस में देख लेते हैं तो हमें तसल्ली होती है ना, जब हमारे पड़ोसी होते हैं उनको देख के, अरे चाय पी रहे हो भाभी जी, कभी कुछ कह लेते हैं आज क्या बनाया, दो घड़ी बात करके सुकून मिलता है उनको देख के। लेकिन आप किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाते हो जहाँ पे वो पड़ोसी है ही नहीं अब, तो आपको कितना खालीपन महसूस होता है। तो सेम मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं आज नहीं जाऊँगी तो शायद वो लोग मुझे ढूंढेंगे, पता नहीं मुझे देख के किसके फेस पे स्माइल आ जाती है। कितने ही लोगों के मैंने कमेंट पढ़े हैं जो मुझसे कहते हैं कि सीमा दीदी बस आपका जैसे ही यूट्यूब पे वीडियो आता है ना, दिल ऐसा खुश हो जाता है, मतलब पता नहीं क्या ही मिल गया, बस हम इसी का वेट कर रहे थे। ये वर्ड मतलब मुझे इतना उत्साहित करते हैं काम करने के लिए। नहीं 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 भाई, जाना है अपने दोस्तों के लिए, जाने किसके जीवन में क्या खुशी आ रही है मेरे को देख के। अरे मेरा चेहरा अगर आपके जीवन में खुशी का कारण है तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ। तो गाइस बस आपसे मैं हूँ, मुझसे आप हो। इसमें ना कितने ही व्यूज काउंट होते हैं, इसमें ना कोई मोनेटाइजेशन काउंट होता है, इसमें ना कोई अर्निंग काउंट होता है, कुछ भी काउंट नहीं होता, बस आप मेरे लिए और मैं आपके लिए। जो लोग कभी कमेंट नहीं करते लेकिन मैं उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और इन्हीं सब बातों ने,
कि आप लोग मुझे चाहते हो, आप लोग मुझे अपने जीवन में देखना चाहते हो, मैं आपके जीवन में बदलाव का कारण हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अब कोई कहता है कि तुम्हारा यहाँ होना ही जरूरी है, तुम जैसे लोग YouTube बंद कर दो, तो मैं कहूँगी कि तुम जैसे लोग YouTube बंद कर दो, क्योंकि तुम जैसे लोगों को रिश्ते समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलो गाइस आज की ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। आज मैं जरा अपने बेटे के संग खुशियाँ मनाऊंगी, मेरा बेटा पास हुआ है, एंड आप सबके भी बच्चे जो CBSE बोर्ड से थे वो पास हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। लव यू ऑल, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हम सब स्वस्थ रहें, हम सब खुश रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। बाय बाय मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो फॉर्मेलिटी कर जाना। बाय।